हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड हैं। एंड आज हम पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 100 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे कल। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड। सो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जब हमने सिल्वी कल्चर के बारे में डिस्कस किया था। सो आंसर होगा सिल्वी कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट है, द साइंटिफिक बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वी कल्चर इज। सो सिल्वी कल्चर की जो प्रैक्टिस है उसके लिए हमें पहले सिल्विक्स की जानकारी होना ज़रूरी है। सो इसका आंसर होगा सिल्विक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। सो इसका आंसर होगा फॉरिस। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। उसके बाद है, नंबर ऑफ मेजर फॉरेस्ट टाइप अवेलेबल इन इंडिया इज। सो जो चैम्पियन और सेट के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया है फॉरेस्ट टाइप का, उसमें 16 यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं। सो आंसर होगा 16। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, फूड फ्यूल फोडर फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज इट्स। सो ये प्रोटेक्टिव रोल है या प्रोडक्टिव रोल है, एमेल्योरेटिव रोल है या डेवलपमेंटल रोल है। सो ये हमारा जो प्रोडक्टिव रोल है, क्योंकि फॉरेस्ट के द्वारा फूड फ्यूल फोडर फाइबर को प्रोड्यूस किया जाता है। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। सो टू टाइप में किया जाता है, एक है टिम्बर प्रोडक्ट्स, एक है नॉन टिम्बर। सो बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे कि जो साइट इंडेक्स एक टर्म है यूज की जाती है फॉरेस्टर्स के द्वारा। सो ये एक्सप्लेन करती है द रिलेशनशिप ऑफ फॉरेस्ट एंड में। ये हाइट से एज के रिलेशनशिप को यहाँ पे ये टर्म है ये एक्सप्लेन करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन द फॉरेस्ट ट्री दैट हैव टॉल वेल्ड फॉर्म क्राउन्स और टॉप्स दैट रिसीव लाइट फ्रॉम अबव एंड द साइड्स आर कॉल्ड। सो ये वाले जो ट्रीज होते हैं जिनमें जो क्राउन है उनको लाइट यहाँ पे वो रिसीव करते हैं, और टॉल ट्रीज़ की यहाँ बात की जा रही है तो इनके लिए पूछा गया है। सो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस को। सो ऑप्शंस में है सप्रेस्ड, कोडोमिनेंट, डोमिनेंट और इंटरमीडिएट। सो ये जो ट्रीज़ होते हैं ये काफ़ी टॉल होते हैं और लाइट को ये रिसीव कर लेते हैं। सो ये ट्रीज़ डोमिनेंट होते हैं यहाँ पे। सो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे सी। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। सो इसमें ए दिया गया है मिनरल मैटर, सेकंड है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, फिर है डीकम्पोजर्स, उसके बाद है ऑल ऑफ द अबव आर एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। सो हम सब जानते हैं कि इकोसिस्टम में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं, प्रोड्यूसर्स डीकम्पोजर वगैरह, इनका रोल होता है। लेकिन जो मिनरल मैटर है वो इकोसिस्टम का एलिमेंट यहाँ नहीं है। सो उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए ट्री टू विदस्टैंड शेड इज कॉल्ड। सो ये जो एबिलिटी है वो कहलाती है टॉलरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट ऑफ ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन द ग्रोथ ऑफ ट्री इज। सो जो मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट है ये मॉइस्चर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि द पेरिनियल प्लांट्स विच हैव डिस्टिंक्ट लीफलेस पीरियड फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर। सो यहाँ पे लीफलेस दिया है
यानी ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, इनकी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, एवरग्रीन स्पीसीज़। सो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉरेस्ट विच हैज़ बीन रिप्रोड्यूस्ड थ्रू स्प्राउटिंग इज कॉल्ड ए। सो ये हमने डिस्कस किया था कि ये कोपाइस फॉरेस्ट कहलाता है। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। सो हमने डिस्कस किया था कि जब यहाँ पे ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है तो उसके बाद यहाँ पे जो कोपाइसेस होती हैं उन पे दोबारा से स्प्राउटिंग हो जाती है। जैसे ये यहाँ पेड़ को कट कर दिया गया है और यहाँ पे दोबारा से जो ट्रीज़ उगाते हैं उनसे यहाँ पे कोपाइस फॉरेस्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टैंड ऑफ ट्री प्रोड्यूस्ड आफ्टर ए क्लियर कट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी। सो यहाँ पे क्लियर कट कर दिया जाता है, सारे जो पेड़ हैं उनको एक साथ काट दिया जाता है, तो उसके बाद रीजनरेशन होगा तो सभी पेड़ एक साथ उगेंगे। इसलिए यहाँ पे जो स्टैंड ऑफ ट्रीज़ है ये इवन एज्ड कहलाएगा, यानी एक ही जैसी एज वाले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ड ऑन क्राउन क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए स्मॉलर ट्री विद ए क्राउन बिलो द अपर लेवल ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी एंड रिसीविंग ओनली स्केटर्ड सनलाइट फ्रॉम द अबव। सो अभी हमने डिस्कस किया था जो डोमिनेंट होते हैं वो रिसीव करते हैं सबसे ज़्यादा लाइट, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि रिसीविंग ओनली स्केटर्ड सनलाइट फ्रॉम द अबव। सो ये वाले जो ट्रीज़ हैं ये होंगे इंटरमीडिएट। सो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉकिंग लेवल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज क्लोजनेस ऑफ ट्री क्राउन नंबर्स ऑफ ट्री एंड परसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द साइट पोटेंशियल। सो यहाँ पे बी एंड सी दोनों ही आंसर होंगे, यानी नंबर ऑफ ट्री एंड परसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द साइट। सो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिकेट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर ए पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा साइट क्वालिटी। साइट क्वालिटी या जो साइट इंडेक्स है वो इंडिकेट करता है किसी एरिया की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पीरियोडिक रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल ट्री इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेटर यील्ड्स इज रेफर्ड एज। सो यहाँ पे सेलेक्टिव कटिंग की जाती है, जो इंडिविजुअल ट्रीज़ हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो बाकी जो प्लांटिंग है उसको अच्छी लाइट वगैरह मिल सके और हमें जो प्रोडक्शन है वो बेटर क्वालिटी का प्राप्त हो। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्री सीड्स मे बी डिस्पर्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सो विंड के द्वारा भी किए जाते हैं, बर्ड्स और एनिमल के द्वारा भी, और वाटर के द्वारा भी। सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज अकॉर्डिंग टू स्पीसीज इज कॉल्ड। सो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है स्पीसीज के अकॉर्डिंग ये जो कहलाता है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग मेथड ऑफ टिम्बर हार्वेस्टिंग ऑफन अपीयर्स टू बी द मोस्ट एस्थेटिकली ड्राजिस्टिक। सो ये आंसर हो जाएगा ए, क्लियर कटिंग। क्योंकि बाकी के जो मेथड हैं जैसे सीड ट्री कटिंग, सिलेक्शन कटिंग, शेल्टर वुड कटिंग, इसमें सभी ट्रीज़ को नहीं कट किया जाता, जबकि क्लियर कटिंग में एक साथ सारे जितने भी ट्रीज़ किसी एरिया में हैं उनको कट कर दिया जाता है। सो ये एस्थेटिकली ड्राजिस्टिक होता है क्लियर कटिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्री रूट्स सो सर्व एज एन एंकर फॉर द ट्रीज सो राइट नेक्स्ट है अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल सो राइट नेक्स्ट है कंडक्ट फोटोसिंथेसिस सो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो रूट्स के द्वारा यहाँ पे नहीं की जाती है सो लीव्स के द्वारा ये की जाती है इसलिए हमें पूछा है नॉट ए फंक्शन सो आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज इन विच कॉनिफेरस ट्री रिप्रोड्यूस सो जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं वो डायरेक्ट सीडलिंग से प्रोड्यूस किए जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू यूज इन आइडेंटिफाइंग ये ट्री सो लीव्स बार्क एंड ट्विग्स इन सबसे पता लगाया जाता है किसी ट्री को आइडेंटिफाई किया जाता है सो आंसर हो जाएगा डी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमीडिएट कटिंग इंक्लूड सो यहाँ हमें देखना है कि जो इंटरमीडिएट कटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टैंड उसके बाद है मैनिपुलेशन और रेगुलेशन ऑफ ट्री एंड स्टैंड ग्रोथ उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ स्टैंड कंडीशन अनफेवरेबल टू इंसेक्ट एंड डिजीज. सो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि इंटरमीडिएट कटिंग या फिर जो भी कटिंग की जाती है उसमें हमारा बेनिफिशियल पर्पज़ होता है सो ये जो सारे ऑप्शन हैं ये यहाँ पे बेनिफिशियल हैं हमें जो प्रॉपर प्रोडक्शन मिले उसके लिए. सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. सो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 25 क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.